अलवर में रंग महोत्सव 2018 की तैयारियां जोरों पर है। इस वर्ष 10 से 14 जनवरी तक इसका आयोजन किया जा रहा है। इस थिएटर और लोक उत्सव में देश भर के कलाकार शिरकत करेंगे। आयोजक कारवां फाउंडेशन और रंग संस्कार थिएटर ग्रुप ने प्रताप ऑडिटोरियम से शहर के चुनिंदा स्थानों पर यह महोत्सव रखा है। पदाधिकारियों ने आज एक पत्रकार वार्ता में इस बारे में जानकारी दी। इसकी शुरुआत 10 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे मुंबई के जयंत गडेकर की प्रस्तुति के साथ होगी। इसका शीर्षक है पापा पेट का सवाल है। यह मंचन जय कृष्ण क्लब स्थित फोर सीजन बैंकेट हॉल में किया जाएगा। वहीं 11 तारीख को इसी स्थान पर स्वामी विवेकानंद एक युग पुरुष का मंचन होगा। यह प्रस्तुति नागपुर की दीपाली खुंडे की है। साथ ही 12 जनवरी की शाम 7 बजे प्रताप ऑडिटोरियम में प्रसिद्ध अभिनेता पुनीत इस्सर रावण की रामायण नाटक में मुख्य भूमिका निभाएंगे। इसका निर्देशन दिल्ली के अतुल सत्य कौशिक कर रहे हैं। इसी कड़ी में 14 जनवरी तक कार्यक्रमों का दौर जारी रहेगा। वहीं 13 और 14 जनवरी की शाम प्रताप ऑडिटोरियम में संगीत संध्या भी आयोजित की गई है। उधर 14 तारीख को दोपहर 12:30 बजे रंग संवाद का कार्यक्रम भी होगा। अलवर रंग संस्कार थिएटर ग्रुप और कारवां फाउंडेशन के द्वारा अलवर रंग महोत्सव 2018 का आयोजन दिनांक 10 जनवरी से 14 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। 5 दिवसीय नाटक और संगीत का ये कार्यक्रम अलवर में 2016, 2017 में 1 दिवसीय और 2018 में अब 5 दिवसीय कार्यक्रम फाउंडेशन और थिएटर ग्रुप के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें 10 और 11 तारीख को अलवर के विभिन्न स्कूल कॉलेज में नाटकों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पापा पेट का सवाल, स्वामी विवेकानंद एक पुरुष, और 12 तारीख को 12 से 14 तक प्रताप ऑडिटोरियम में विभिन्न नाटकों का आयोजन होगा, जिसमें 12 तारीख को रावण की रामायण, जिसमें प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता पुनीत इस्सर मुख्य भूमिका अदा करेंगे। इसके निर्देशक हैं अतुल सत्य कौशिक, जो दिल्ली से हैं। अपने तरह का देश का बहुत प्रसिद्ध ये नाटक है और पूजनीय मुरारी बापू जी के विभिन्न कथाओं में इसका मंचन हो चुका है। 50-50 हज़ार, 1-1 लाख लोगों के बीच में इस थिएटर को लोगों ने देखा है और बहुत सराहा है। अलवर में प्रथम बार इतनी बड़ी कास्ट का लाइट तकनीक और सारी चीज़ों के साथ भव्य नाटक का मंचन प्रताप ऑडिटोरियम में 12 तारीख को शाम को 7:30 से 7 से 9:30 बजे तक होगा। उसके बाद 13 जनवरी को अशोक राही जी, जो हमारे अलवर के ही रंगकर्मी हैं, इस समय जयपुर में निवास करते हैं, उनका एक प्ले है एक था गधा और अलादा खां, ये 4:30 से 6 बजे तक आयोजित किया जाएगा। उसके बाद नेटवा 6:30 से 8 बजे तक होगा। दिल्ली और देश के विभिन्न जगहों पर नेटवा ने जो नवीन विधा के साथ नाटक को संगीत में हास्य और नई रचनात्मक तकनीकी के साथ जोड़ा है, वो बहुत देखने लायक है। बहुत लोगों ने इसको पसंद किया है। इसके साथ साथ शाम को 8:15 से 10 बजे तक सुरेले पल अलवर के सितारों के संग एक कार्यक्रम है, जिसमें अलवर की पुराने और नए कलाकार भाग लेंगे। इसमें मुख्य रूप से अलवर के कथक के महागुरु, जयपुर घराने के 11वीं पीढ़ी के परम सम्माननीय चांद साहब, गिरधर चरण चांद साहब, वो कथक के लिए आएंगे। उन लोगों का हम सम्मान भी करेंगे। दिल्ली से सुधीर माथुर जी सितार पर हैं, यूसुफ खान जी और काफ़ी सारे लोग जो अलग अलग विधाएं हैं, जिसमें मशक है, सारंगी है और ये सारी चीज़ें, अलवर का एक फ्यूज़न तैयार किया गया है, उसका यहाँ पे आयोजन होगा। साथ ही कुछ नए कलाकार जो अलवर की विधाएं हैं, धरोहर हैं, उनको भी मंच उपलब्ध रहेगा। 14 तारीख को रंग संवाद कार्यक्रम होगा कि रंगमंच में, शिक्षा में रंगमंच की क्या भूमिका है, इस विषय पर कुछ विषय विशेषज्ञ अपनी बात रखेंगे और कुछ युवा साथी हमारे साथ रहेंगे। शाम को गालिबी न्यू दिल्ली, ये हादसे का बड़ा नाटक है, 438 प्लेस के अब तक पूरे देश में हो चुके हैं। अभी इंग्लैंड और दुबई में इसके बहुत सक्सेसफुल शो हुए हैं और डॉक्टर एम सैयद आलम जी इसके डायरेक्टर हैं, बहुत फेमस डायरेक्टर हैं, इनके बहुत सारे प्ले बहुत दूरी तक चल रहे हैं। इसी के साथ साथ शाम को क्लासिकल म्यूजिक का एक कार्यक्रम होगा, गज़ल का एक कार्यक्रम होगा, जिसमें भारती विश्वनाथन जी भोपाल से पधार रही हैं और साथ में सुदेश शर्मा जी जयपुर से पधारेंगे। इस तरह से 5 दिवस तक अलवर रंग में के रंग में रंगा रहेगा।
और आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इस रंग के महाकुंभ में वो जरूर भाग लें। बहुत बहुत धन्यवाद। में बाधी खुशी रे झुम 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 झुम।